मैं हूं आपकी मेजबान लारिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कनाडा में महंगी कारों, तैयारों और कश्तियों पर लग्जरी टैक्स लागू, हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना। वजीर खजाना कहती हैं लाखों डॉलर खर्च करने वालों के लिए 10% टैक्स बड़ी बात नहीं है। कैनेडियन जासूस का लड़कियों को शाम में दाइश के हवाले करने का मामला, कैनेडियन वजीर आजम इंटेलिजेंस इदारे के दफा में सामने आ गए। ट्रूडो का कहना है हुकूमत इल्जामात की तहकीकात करेगी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क में क्लाइमेट पुलिस के क्याम की तरदीद। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से रिपोर्ट्स झूठ पर मबनी है, कोई भी खबर आवाम को ट्विटर या वेबसाइट पर बराह रास्त दी जाएगी। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की यूक्रेन में रूस के जेर इंतजाम जौहरी प्लांट का दौरा, जौहरी प्लांट में सिक्योरिटी और हिफाजती सरगर्मियों का जायजा लिया। आईएईए के वफ्द ने कीव में यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। बाइडेन ने ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामी जमहूरियत के लिए खतरा हैं, ट्रंप के हामी आइन या कानून का एहतराम नहीं करते और सियासी तशद्दुद को भड़काते हैं। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Headlines aapne mulahiza ki aur ab khabrein tafseel ke saath. कनाडा में महंगी कारों, तैयारों और कश्तियों पर लग्जरी टैक्स लागू हो रहा है। कुछ नाकदीन की जानिब से इंतबाहात के बावजूद इस इकदाम से मईशत को नुकसान पहुंचेगा और इसकी कीमत से कहीं ज़्यादा परेशानी होगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में महंगी कारों, तैयारों और कश्तियों पर लग्जरी टैक्स लागू हो रहा है। कुछ नाकदीन की जानिब से इंतबाहात के बावजूद कि इस इकदाम से मईशत को नुकसान पहुँचेगा और इसकी कीमत से कहीं ज़्यादा परेशानी होगी। जुमेरात से ये टैक्स उन कारों और ज़ाती हवाई जहाज़ों पर लागू होगा जिनकी कीमत $1,00,000 से ज़ायद है और ज़ाती इस्तेमाल की कश्तियों पर जिनकी कीमत $2,50,000 से ज़ायद है। एक बार सेल्स टैक्स या तो इस हद से ऊपर वाली गाड़ी की कीमत का 20% होगा या कुल कीमत का 10%, जो भी कम होगा होगा। इस इकदाम को गुज़िश्ता जून में हतमी मंजूरी मिली थी और तवक्को है कि हर साल आमदनी में $163 मिलियन इजाफा होगा। नाकदीन का कहना है कि यह टैक्स कश्तियों की फरोख्त में तेज़ी को नुकसान पहुंचाएगा, जो इस वक्त शुरू हुआ जब लोग COVID-19 लॉकडाउन के दौरान घरों में फंस गए थे। टैक्स एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब महंगाई कश्तियों के पुर्जों की कीमत को बढ़ा रही है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि इस इकदाम से सियाहत के कारोबार को नुकसान पहुँचेगा और खरीदारों को, जिनमें से बहुत से खुद कारोबारी मालकान हैं, खरीदने के बारे में दो बार सोच सकते हैं। टैक्स उन लोगों के इर्द गिर्द कॉटेज इंडस्ट्रीज को जन्म दे सकता है जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हौसला नतायज हौसला अफजा नहीं होंगे। अमीरों पर टैक्स लगाने के लिए पहले से ही मैकेनिज्म मौजूद हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना था कि मेरे ख्याल में किसी ऐसे शख्स से ये कहना मुकम्मल तौर पर ठीक है कि जिसके पास कार या हवाई जहाज पर खर्च करने के लिए $1,00,000 या $2,50,000 एक कश्ती पर खर्च करने के लिए हो, उन्हें हर एक की मदद के लिए 10% टैक्स अदा करना होगा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना था कि मेरे ख्याल में कैनेडियंस के लिए कामयाब होना बहुत अच्छा है, कैनेडियनों का खुशहाल होना बहुत अच्छा है। मैं ये भी सोचती हूँ कि जो लोग वाकई अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हर एक की हिमायत करने में आसानी महसूस करनी चाहिए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मुल्क की खुफिया एजेंसी का दिफा कर रहे हैं। ट्रूडो ने CSIS का दिफा किया, जबकि बरतानिया के मुसन्निफ का दावा है कि एजेंसी के मुखबर ने लड़कियों को शाम में स्मगल किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मुल्क की खुफिया एजेंसी का दिफा कर रहे हैं। ट्रूडो ने CSIS का दिफा किया, जब बरतानिया के मुसन्निफ का दावा है कि एजेंसी के
मुखबर ने लड़कियों को शाम में स्मगल किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत दावों की तहकीकात करेगी और तवक्को है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां कवायद पर अमल करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो बुध के रोज इस इल्जाम के जवाब में मुल्क की आला सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की हिमायत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि एक जासूस ने 7 साल कबल 3 बरतानवी नौउम्र लड़कियों को दाइश के शिद्दत पसंदों तक पहुंचाने में मदद की थी। रिचर्ड क्रिबिज की एक नई किताब 5 आंखों की खुफिया तारीख में इंकशाफ हुआ है कि कनाडा की सिक्योरिटी सर्विसेज ने एक कैनेडियन जासूस को छुपा लिया था जो दाइश की दुल्हन की स्मगलिंग में मुलविस साबित हुआ था, जबकि बरतानिया बैनुल अक्वामी सतह पर उसकी तलाश कर रहा था। इसमें यह भी इंकशाफ हुआ कि कनाडा की हुकूमत ने उस वक्त नौजवान खातून के ठिकाने के बारे में मालूमात को रोक दिया था। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत उन इल्जामात पर गौर कर रही है। क्रिबिज ने इल्जाम लगाया है कि मुखबर मोहम्मद रशीद ने नौउम्र लड़कियों के दाइश के जेर कंट्रोल शाम के सफर में सहूलत फराहम की, बरतानवी स्कूल की तालबात के जेर इस्तेमाल पासपोर्ट की फोन तस्वीर ली है और उन्हें उर्दन में अपने कैनेडियन हैंडलर को दिखाया। जब तक ये मालूमात यूके और मेट्रोपॉलिटन पुलिस तक पहुंची, क्रिबिज का दावा है लड़कियां पहले से ही ISIS के इलाके में थीं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क में क्लाइमेट पुलिस के क़याम की तरदीद की गई है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क में क्लाइमेट पुलिस के क़याम की तरदीद की गई है। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा ऑनलाइन रिपोर्ट्स की तरदीद कर रहा है, जिनमें कहा गया है कि वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए अफसरान भर्ती कर रही है। वजारत ने ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा कि हम सोशल मीडिया पर कुछ गुमराह कुन रिपोर्ट से वाकिफ हैं जो ये बताते हैं कि हम एक नया निफास का काम बना रहे हैं। एक दाएं बाजू की अशात काउंटर सिग्नल की तरफ से एक हफ्ते से ज्यादा पहले शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक नए दफ्तर में आतिशें असलहा आर्मरी तफ्तीशी कमरे बायोलॉजिकल लैब्स और कंट्रोल्ड खामोश कमरे होंगे। आर्टिकल में ऐसे ब्लूप्रिंट्स शामिल थे जिनमें आतिशी असलहा जखीरा करने इंटेलिजेंस और कंट्रोल खामोश का लेबल लगा हुआ है। मजमून में दावा किया गया है कि मंसूबे वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के आबो हवा के निफास के मुस्तकबिल के मंसूबों की एक खिड़की खोलते हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA का मिशन डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी की सरबराही में यूक्रेन के जौहरी प्लांट में सिक्योरिटी और हिफाजती सरगर्मियों का जायजा लेने वहाँ पहुँचा है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की टीम ने यूक्रेन में रूस के जेर इंतजाम ज़ापोरिज़्या जौहरी प्लांट का दौरा किया। ज़ापोरिज़्या एडमी प्लांट के अहाते में कई माह से झड़पें हो रही हैं, जिसके बायस जौहरी मवाद के फैलाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वक्त के अरकान ने एटमी प्लांट का दौरा करने से पहले कीव में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का मिशन डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की सरबराही में यूक्रेन के जौहरी प्लांट में सिक्योरिटी और हिफाजती सरगर्मियों का जायजा लेने वहां पहुंचा है। IAEA मिशन के सरबरा राफेल ग्रोसी ने इस मौके पर कहा कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ज़ापोरिज़्या जौहरी प्लांट पर मुस्तकिल मौजूदगी की कोशिश करेगी ताकि किसी भी हादसे को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट को महफूज रखा जा सकेगा। याद रहे कि रूस ने मार्च में ज़ापोरिज़्या जौहरी प्लांट पर कब्जा किया था। फिलाडेल्फिया में खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप और इनकी मैक अमरीका ग्रेट अगेन मेगा मुहिम के हामियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों को शिद्दत पसंद करार देते हुए उन्हें अमरीकी रियासत की बुनियादों के लिए खतरा करार दे दिया है। फिलाडेल्फिया में खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मेक अमरीका ग्रेट अगेन मुहिम के हामियों को शदीद तंकीद का निशाना बनाया। जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके रिपब्लिकन हामी शिद्दत पसंद हैं जो हमारी रियासत की बुनियादों के लिए खतरे का बाइस है, जिनसे मसावात और जमहूरियत को खतरा है और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो खुद अपना नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 2 साल कबल डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले 7 करोड़ अमरीकी शहरियों पर तनकीद नहीं कर रहे, मगर आज की रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों का गलबा है जो कि इस मुल्क के लिए खतरा है। उनका कहना था कि अरसे से हम खुद से कह रहे हैं कि अमेरिका में जमहूरियत की जमानत दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इसका दिफा करना होगा, इसके लिए हम सबको खड़ा होना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी आइन या कानून का एहतराम नहीं करते और सियासी तशद्दुद को भड़काते हैं। अमेरिका में नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं जो वाशिंगटन में ताकत के तवाजन का फैसला करेंगे, और जो बाइडन का खिताब उसी हवाले से था।
उन्होंने कहा कि मैगा के हामी अमेरिका को पीछे ले जा रहे हैं, यानी उस अमेरिका की तरफ जहां इंतखाब का कोई हक नहीं था, प्राइवेसी का कोई हक नहीं था, इस्कात हमल का हक नहीं था, अपनी पसंद से शादी का हक नहीं था। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान आरिफ खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।